फ्रेंडशिप डेल्टा भी चुप रहिए गुरुजी, मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? कैसे अजीब बात कर रहे हैं आप? इसमें अजीब बात क्या है, फ्रेंडशिप करने के लिए उम्र तो नहीं देखी जाती। क्या यही बताने के लिए मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? नहीं यार, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी है। कहीं आप ये तो नहीं बताना चाहते कि आप ब्राह्मण हैं? जिस दिन आपने मुझे मछली खाने के लिए कहा था उसी दिन मुझे आप पे शक हो गया था। चुप कर, जब देखो मछली की बात लेकर शुरू हो जाते हो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? प्यार कर सकते हैं क्या? क्यों प्यार क्यों नहीं कर सकते? अब आप ही सोचिए ना, सलीम अनारकली, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, प्यार में इन्हीं की मिसालें दी जाती है। हम ब्राह्मणों के प्यार का कोई इतिहास ही नहीं है। अब इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटता। प्यार 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 कब से सुन रहा हूँ, कहीं आपको तो प्यार नहीं हो गया? अब तो आप शर्माने भी लग गए। ये मुंह और मसूर की दाल। गुरुजी, फिलहाल आप शर्माना छोड़ दीजिए और वो लड़की कौन है ये बताइए। बजरंगपुर के गणपत शास्त्री को जानते हो? अच्छा वही ना, जो अपनी झील में गिरकर लाश बनकर बाहर आए थे। उन्हीं का अंतिम संस्कार करते वक्त मुझे उनकी बड़ी बेटी से प्यार हो गया। क्या कहा, मंत्र पढ़ते पढ़ते? मुंह मंत्र पढ़ रहे थे, आंखें चुप रहकर क्या करती, उससे लड़ गई। लेकिन बैड लक, प्यार का इजहार करने से पहले उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में उनकी दूसरी बेटी लक्ष्मी पर मेरी नजर पड़ी। वो जस्ट एवरेज थी, इसीलिए मैंने ही उसकी शादी किसी और से करवा दी। लेकिन तीसरी बेटी चंद्रकला को जब मैंने देखा, वो भी किसी और की हो जाएगी और आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। इसी बात का तो मुझे टेंशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी माँ से बात करके जल्दी से उसे शादी कर लूँ। यार चंद्रकला से मैं तुम्हारी पहचान करवाता हूँ, मेरे बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर शादी के लिए उसे मना लेना। लड़की को मुझसे मिलवा दीजिए, दोनों को चिपका दूंगा। ऐसा कुछ मत करना, जैसे दूसरों की शादी में मदद करते हो वैसे मेरे प्यार में मदद कर देना, इतना ही। घर काफी बड़ा खरीद कर दिया है गुरुजी। मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करना फिकर मत कीजिए गुरुजी, सब कुशल तो है आंटी। तुम हो तो हमें किस बात की कमी हो सकती है भट्टू? भट्टू आंटी मुझे इसी नाम से बुलाती हैं। चल, ये कौन है? मेरा कजिन है और मेरा शिष्य भी। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आप लोग बैठिए, धूप में से आए हैं, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूं। ठीक है ठीक है। गुरुजी, ये सामान भी लगता है। मैंने ही खरीद कर दिया है। ये फैमिली आपको चाटकर पूरा साफ कर देगी। सफा चाट करती है तो करे, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। सुना है आजकल तुम काम में बहुत बिजी हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। और काम, 6 बजे जॉगिंग, 7 बजे जिम, 8 बजे योगा, गुरुजी ने 6 पैक भी बना लिए हैं। और कितनी तारीफ करें। मुझे बोलने दीजिए गुरुजी, आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं, मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपने लायक लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या बोलती है आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। अरे रे, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे गुरुजी की उम्र बढ़ रही है। छी, आपको पता है परसों शादी करवाते समय वहाँ जो दुल्हन थी वो हमारे गुरुजी के साथ भागने के लिए तैयार थी। आप भी कुछ कहिए ना गुरुजी। अब मैं क्या बताऊँ, हर शादी में ये आम बात सी हो गई है। आंटी ने भी सुना होगा। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। लगता है किसी ने बताया नहीं। आंटी बहुत पहुंची हुई लग रही है। लग रहा है आंटी, चंदा कहाँ है? यही है, शायद वो पूजा घर में पूजा कर रही होगी। चंदा, अरे वो चारी, चंदा के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ग्रह संकट में है। एक पैर कब्र में और दूसरा जमीन पर है, ये आपको शोभा देता है? समझा करो। वो आ गई। बार बार ये अपने दर्शन क्यों देती है? आंटी चंदा आ रही है। गुरुजी, ये सर झुका कर क्यों खड़ी है? शर्मा रही है, मैं यहाँ हूँ ना चंदा। ये क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मैं बताता हूँ। तो क्या बकवास कर रहा है? बकवास है क्या है ये, बात पे डिसाइड करना, चलिए मेरे साथ। भट्टाचार्य जी। चंदा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बिट्टू बुलाया करो। बिट्टू? ठीक है बिट्टू जी, आपने हमें पहले जो डेक दिया था ना वो एकदम बिगड़ चुका है, इसीलिए बहुत बोर होती हूँ। आप इन्हें जरा भेजिए ना, मैं इन्हें समझा दूंगी। इतना ही है ना, वो टेक 2-in-1 है तो ये ऑल इन वन है, चुटकियों में सब ठीक कर देगा। जा रहे। गुरुजी, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ 2-in-1 के बारे में। पहले तुम इसके 2-in-1 डेक को ठीक करो, जाओ। अरे ये क्या, मुझे धक्का क्यों मार रही हो? क्या बे, क्या नाटक? क्या कहा बे? हाँ बे, फिर से बोली तुम। क्यों बे, गुरुजी को सब बताएगा क्या? और नहीं तो क्या, कलर टीवी, VCR, 2-in-1 ऐसा करके मेरे गुरुजी को चाट कर खा रही हो और मैं चुपचाप देखता रहूंगा क्या? अच्छा ठीक है, जाकर बताओ, मैं भी बता दूंगी। क्या बताओगी? वही, स्विमिंग पूल में तूने मुझे कहाँ कहाँ छुआ और तूने मुझे कहाँ कहाँ पकड़ा, चलो सब बताते हैं। ये सब बताओगी तो गुरुजी उसी समय अपनी जान दे देंगे, है ना? इसीलिए तुम भी बंद रखो, मैं भी बंद रखूं। क्या बंद रखूं? मुंह तब तो फूट जाएगा। क्या
भांडा। क्यों रे चारी, काम हो गया ना? गुरुजी अपने गांव का टू इन वन नहीं है, बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई कोई बात नहीं, पर काम तो हो गया ना। चंदा शाम को तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं। ए, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? तो और क्या करूं? जा बियर की बोतल लेकर आ। बियर? अरे चारी, तुमने शास्त्र और पुराण में तो पढ़ा ही होगा, देवता लोग क्या पीते थे बताओ? सुरा पीते थे। बाहर उसे शराब कहते हैं और ऐसी जगह पर उसे बियर कहते हैं। जा लेकर आ। ब्राह्मण के नाम पर कलंक है ये।